मैं तो रोहित शर्मा का फ़ैन हूँ, पता नहीं वो तो टीम में नहीं है शायद नहीं। विराट कोहली, फिर वीरेंद्र सहवाग, आई मीन पांच तो सीधे सीधे इंडिया के हो जाएंगे क्योंकि इंडिया की बैटिंग एस्टोनिशिंगली गुड है। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल देख लिया जिसमें कि अमेरिकन न्यूज़पेपर्स में क्रिकेट की हेडलाइंस लग गई इंडिया पाकिस्तान कॉन्टेस्ट से। सो इसको और इनकरेज करना चाहिए, आई थिंक इसका स्कोप बहुत है, लोग चाहते हैं, मतलब एक क्रिकेट को इससे फ़ायदा होता है, दोनों मुल्कों का इससे फ़ायदा होता है क्योंकि क्रिकेट एंगेजमेंट से देखें बाकी चीज़ें क्या हासिल हो जाती हैं आउटसाइड द क्रिकेट फील्ड। और बेसब्री से सब इंतज़ार कर रहे हैं और होपफुली ये सीरीज़ हो प्रॉपर, एक ICC को इवेंट होना चाहिए, यानी कि 5 टेस्ट 5 वनडेज कि इसकी प्रॉपर, जैसे कि एशेज सीरीज़ होती है ऐसी ये सीरीज़ होनी चाहिए। और मुझे नहीं समझ आती इसमें मुश्किल क्या है। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है इसलिए कि पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए तो एक बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है क्योंकि अभी जैसे आपने कहा T20 वर्ल्ड कप भी यहीं होना है और बखुशी क्रिकेट बोर्ड ने इनको अलाउ किया है जाके खेले और कंडीशंस से एक्लिमेटाइज हों। इसी तरह से तो यंग श्रीलंकन्स के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ऑलरेडी आपने देखा है कि SLPL के प्लेटफॉर्म से आपको धनंजय, एक 18 साल का लड़का, उन्होंने इंक्लूड कर लिया अपनी T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में, तो इसका इम्पैक्ट ये हुआ है लोकल टैलेंट के लिए। सो एक अच्छा उम्दा प्लेटफॉर्म है, सब कॉन्टिनेंट में क्रिकेट हो रही है और बहुत अच्छा इनिशिएटिव। कामरान अकमल की वापसी अच्छी हुई है और अच्छी फॉर्म में भी दिख रहे हैं, हफीज़ की फॉर्म अच्छी लग रही है, यू नो उमर अकमल, ये सारे नए लड़कों को एक मौका मिला है क्योंकि अच्छी बड़ी स्टेज है ये और अच्छी परफॉर्मेंसेस दी है।